सारणिका मेरा कॉन्सेप्चुअल जो काम था जो इससे पहले हम लोगों ने क्लासेस में दिया है, मैं उसको बोलता हूँ इन अनाशर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, वो चाहे परक्यूजिट्स, वो चाहे कमीशन हो, क्या वो चाहे डिडक्शन हो, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी हो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब हो चुका है। आज हम फुल लेंथ प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम है, हम लोग करेंगे पहला प्रॉब्लम, मिस्टर राहुल अग्रवाल एम्प्लॉई ऑफ बीपीएल लिमिटेड, उसका चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा मोरल सब आइटम आपके लिए कॉमन ही लगेगा। कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम वन, ओके, क्वेश्चन वन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर राहुल अग्रवाल फॉर द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 2020-21। कौन सा हेड में काम कर रहे हैं? सैलरीज। रुपीज बेसिक सैलरी 101, बेसिक सैलरी 60,000, increment 20 January. Therefore, basic 2 December 19 कितना सैलरी था? लास्ट में था 60, उससे पहले तो 5000 कम था, इंक्रीमेंट 5000 होने के बाद 60 हुआ है, तो कितना हुआ? 55,000 इंटू 9 months। एंड जनवरी टू मार्च 20 60,000 इंटू 3 months 1,80,000 और 55 into 9 4,95,000 6,75,000 ओके, 6,75,000 बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी राइट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर लास्ट डेट में बेसिक बोल दिया था, तो इसलिए मुझे बैक करके अप्रैल का सैलरी कितना देखना पड़ा, 5000 कम, अप्रैल में भी 55, मई में भी 55, दिसंबर तक 55, उसके बाद 5000 बढ़के 60 हो गया। ये कुछ बोला है 40% फॉर मेन पार्ट, 80% ऑफ बेसिक,
तो डी ए फॉर्मिंग पार्ट 80% ऑफ बेसिक सैलरी दैट इज डी ए है, उसका 40% फॉर्मिंग होता है, 80% डी ए हो गया, 40% 2,16,000 नॉट फॉर्मिंग पार्ट, 80% ऑफ 6,75,000 इंटू 60% 3,24,000 5,40,000। मतलब बेसिक के ऊपर अगर 80% करते हो तो डीए होगा 5,40,000। ये फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग क्यों ब्रेकअप करके रखा है, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है सैलरी का कैलकुलेशन वहां पर फॉर्मिंग पार्टी लेंगे, इसलिए करके रखा है। फर्निश्ड अकोमोडेशन बाद में आते हैं, परक्यूजिट्स है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, फिजिकली चैलेंज होता तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कुछ एग्जम्पशन मिलता, लेकिन अगर फिजिकली चैलेंज नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 इंटू 12, अच्छा देखना और कोई अलाउंस है, और तो नहीं आ रहा है ना, देन 9,600 डायरेक्ट लिख सकता हूं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ इन एक्सेस ऑफ, अगर यूर पी एफ होता तो नॉट टैक्सेबल, विथड्रॉन के टाइम टैक्सेबल, 12% ऑफ सैलरी, वर्किंग नोट 2। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आर पी एफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। एक्सेस कितना हुआ 11 माइनस 9.5%, कितना होता है 12,100 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1.5 16 50। ईएफ करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, फर्स्ट सैलरी बेसिक 6,75,000 प्लस डीए फॉर्मिंग 2,16,000 एड कमीशन ऑन टर्नओवर, नील कुछ नहीं बोला है, तो सैलरी फॉर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना 6,75,000 प्लस 2,16,000 8,91,000 टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन
he and his employer each contribute 20% of basic salary. बंदे ने क्या किया मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एम्प्लॉयर ने 20% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है तो 20% ऑफ 675,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था. 675,000 इनटू 20% 1,35,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया. कितना एक्सेस किया? लेस 12% ऑफ सैलरी. सैलरी मतलब मैंने जो ये वर्किंग नोट में कंप्यूट किया है 12% ऑफ 8,91,000 इनटू 12% 1,06,920 एक्सेस हुआ 28,080 दैट इज एक्सेस कंट्रीब्यूशन. हो गया. और कुछ आपको परक्यूजिट ही परक्यूजिट्स है. चलो परक्यूजिट्स. लिखू ना ना लिखू? दैट इज सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). बेटा आप ना लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई नहीं लिखता है. एक्चुअली 17(1) का डेफिनेशन ये है, 17(2) का डेफिनेशन है परक्यूजिट्स, और 17(3) का डेफिनेशन है प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी. ये तीन कैटेगरी है, लेकिन मैक्सिमम ये नहीं लिखता है. आप इग्नोर करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया 17(1) का मतलब ये सब. तो 67 प्लस 5,14 प्लस 9,600 प्लस 28,080 प्लस 1,650 12,54,330 परक्यूजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 फर्निश्ड अकोमोडेशन. वर्किंग नोट 3 करूंगा. इम्प्लॉयर इस पर्सनल इलेक्ट्रिक बिल ₹20,000 पर अनम, आउट ऑफ विच पेड 5,000, ही पेड 5,000 और बैलेंस पेड बाय एम्प्लॉयर. तो रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल टोटल 20 में एम्प्लॉय पे करता है 5,000, तो बाकी कौन पे किया? एम्प्लॉयर. क्लियर? टोटल 20,000 के भीतर खुद बंदा पे करता है 5,000, बाकी एम्प्लॉयर दिया. कार फैसिलिटी मोटर कार फैसिलिटी इस पर्सनल He used his own car, both he used his own car, both private and office use. All expenses are made by him. अच्छा चलो इसको change कर देते हैं. ना ठीक है. वो खुद car यूज़ करता है, खुद का कार यूज करता है. एक्सपेंसेस कौन देता है? एम्प्लॉयर. ओके एम्प्लॉयर नहीं देता, खुद. पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, कोई टैक्सेबिलिटी होगा? नो. आपका खुद का पैसा, खुद का कार अगर एम्प्लॉयमेंट का पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों देंगे? तो नेचुरली कोई टैक्स नहीं होगा. मतलब मोटर कार फैसिलिटी तो उसको मिला ही नहीं, मोटर कार भी उसका था, मोटर कार का एक्सपेंसेस भी उसका था. डैश ओन कार यूज्ड एंड मेंटेन्ड बाय एसएससी.
अगर खुद मेंटेन करता है, खुद ऊन करता है, तो क्यों टैक्स देगा? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो आपका ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना 2400। नॉर्मली एम्प्लॉयर बोल दिया, हो सकता है एम्प्लॉई पे किया, हो सकता है पार्टली एम्प्लॉयर, पार्टली एम्प्लॉई वो भी हो सकता है। जितना एम्प्लॉयर पे करेगा वही परक्विजिट्स में आएगा, अदरवाइज नो। लैपटॉप, लैपटॉप प्रोवाइडेड एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, मील, तो फर्नीचर का वैल्यू आ जाने से रिइंबर्समेंट हो गया, ये हो गया, हो जाएगा। तो फर्नीचर का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट टू, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, टू नहीं थ्री, फर्नीचर प्रोवाइडेड सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को पढ़ो क्या बोला है। फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई इन कोलकाता बाई द एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्स, कोलकाता है तो आप जानते ही है, उसके लिए एक ही तरीका है, बिकॉज एम्प्लॉयर तो रेंट पे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तरीका है 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और कलकत्ता का पॉपुलेशन 25 लाख से बहुत ज्यादा है, तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी तो 15% होगा। तो पहले सैलरी का मतलब निकालो, सैलरी फॉर एकोमोडेशन, बेसिक 6,75,000, बीए फॉर्मिंग पार्ट 2,16,000, टैक्सेबल अलाउंस 2,16,000, बोनस कमीशन तो कुछ नहीं है, पीएफडीएफ आता है? नो, नॉट एट ऑल। सैलरी 6,75,000 प्लस 2,16,000 प्लस 9,600, 9,00,600, कुछ मिस किया मैंने, मुझे लग रहा है। बोला तो मैं तो मिस किया ही है। हाँ ठीक है, बाद में देखते हैं। तो सैलरी 9,00,000 हो गया। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, फिफ्टीन परसेंट ऑफ 9,00,600, 1,35,090 प्लस फर्नीचर कहां से दिया, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000। देखते हैं कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को, 40,000, 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑन 14, 4,000, और टोटल वैल्यू 1,39,090, टोटल वैल्यू 1,39,090। परक्विजिट में और एक है, मैंने
इग्नोर किया था, एम्प्लॉयर शेयर दे रहा है एट रिड्यूस प्राइस में, शेयर्स अलोटेड ऑफ बीपीएल लिमिटेड मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू 500 × 118 शेयर्स इंटू 118 9,000 मार्केट वैल्यू 500 शेयर्स इंटू 118 90,000 लेस अमाउंट रिकवर्ड, एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया 500 शेयर्स इंटू 120 60,000 तो टैक्सेबल कितना बेनिफिट मिला उसको 30 तो परचेजिंग का अमाउंट हो गया 1,39,090 एकोमोडेशन का वैल्यू 15,000 इलेक्ट्रिक बिल रीइंबर्समेंट मोटर कार आता है लेकिन बोल दिया पूरा ही एसएससी मेंटेन करता है 2,400 प्लस 30,000 1,86,490 दैट इज ग्रॉस सैलरी प्लस 12,54,330 14,40,820 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A भूल गया तब भी नहीं प्रॉब्लम है सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख दो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 बी 3 प्रोफेशनल टैक्स पेड एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय पे करता है इंपॉर्टेंट नहीं है कितना उसके नाम पे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है 52,400 टैक्सेबल सैलरी माइनस 52,400 13,88,420 जो सिखाया है उसके बेसिस में ही हम लोगों ने किया है कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती है तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा एकोमोडेशन का वैल्यूएशन जूम कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग करेंगे अभी 15,000 सैलरी है क्या बोला है मिसेस एस चौधरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 चलो करते हैं बेसिक सैलरी बोल दिया है चलो स्ट्रेट वे में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस
एस चौधरी, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21. हेड का नाम सैलरीज, नॉट इनकम फ्रॉम सैलरीज, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 15,000 × 12, 1,80,000. डीए कुछ नहीं बोला, तो अज्यूम कर लेते हैं फॉर्मिंग पार्ट बोला नहीं है सर, मैं उसको नॉट फॉर्मिंग पकड़ूंगा, तुम्हारा मर्जी, लेकिन नोट देना पड़ेगा फॉर्मिंग पार्ट के लिए भी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट के लिए भी, और पूरा ही डीए 60% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक 60% ऑफ 1,80,000. मेडिकल अलाउंस, चलो और कोई कमीशन कमीशन है देख लो, अभी तो यही लग रहा है, ना 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 ना, अच्छा मेडिकल अलाउंस तो टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सिक्स हंड्रेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, 600 × 12, 7,200. CCA, city compensatory allowance, city compensatory allowance, ये भी fully taxable FT, कितना 1500 per month, 1500 × 12, 18,000. HRA, house rent allowance, working not one, करना पड़ेगा, I think और कोई allowances नहीं है, अगर नहीं है तो ये करने के बाद होगा. Contribution to RPF, in excess of 12% of salary. ये भी करना पड़ेगा आपको, वर्किंग नॉट टू. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इन एक्सेस ऑफ 9.5%. कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, 2,200 divided by 11% into 11 minus 9.5, 2,200 divided by 11 into 1.5, 300, 300. ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चलिए वर्किंग नॉट वन एंड टू कर देते हैं. वर्किंग नॉट वन टैक्सेबल एचआरए सैलरी,
house rent allowance which is 6000 per month and she paid her rent 7200 per month for her house in Durgapur. Okay, salary basic calculation के लिए तो salary calculate करना पड़ेगा plus DA forming 1,08,000 और तो कुछ नहीं है प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर सर कुछ नहीं है नील 2,88,000 दैट इज सैलरी. एचआरए रिसीव्ड कितना, एचआरए रिसीव्ड 6,000 per month into 12, 72,000 less exemption under section 10, 13A, lowest one A, HRA received 72, B rent paid minus 10% of salary, into 12, अच्छा 4000 नहीं 7200 हाँ तो 7200 into 12 month minus 10% of 288,000 so that is equal to 7200 into 12 86,400 minus 28,800 57,600 तो ये फर्स्ट, ये सेकंड. सी कोलकाता में नहीं है तो 40% ऑफ एचआरए, 40% ऑफ सैलरी बिकॉज दुर्गापुर है, कोलकाता नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ चार सिटी था कोलकाता दिल्ली चेन्नई मद्रास चेन्नई मुंबई, ये लोगों के लिए 50% है, अदरवाइज 40%. 40% ऑफ 2,88,000 सैलरी, 2,88,000 इंटू 40% 115,200 विच वन इज द लोएस्ट 57,600 टैक्सेबल एचआरए 72,000 माइनस 57,600 14,400 तो फिगर आ गया 14,400 टैक्सेबल एचआरए, तो टैक्सेबल अलाउंस निकल जाएगा 39,600. अब कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ वर्किंग नोट टू, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. चलो बेसिक हो गया, डीए हो गया, टैक्सेबल अलाउंस में मेडिकल सीसीए एचआरए निकाल के मैंने डाल दिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ हो गया, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा, क्या दिया है एम्प्लॉयर शी इज कंट्रीब्यूटिंग 4100 पर मंथ टुवर्ड्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट, मतलब घुमा के बोला है, लेकिन उससे पहले तो सैलरी करना पड़ेगा, सैलरी इक्वल टू बेसिक
प्लस डी ए फॉर्मिंग प्लस कमीशन और टर्नओवर। सर आपने लाइन बाय लाइन क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑलरेडी मेरा ये पास ये फिगर है 7288, तो मैं आराम से लिख सकता हूं 288,000 बिकॉज ऑलरेडी मैंने एचआर कैलकुलेटर के टाइम सैलरी लिखा हुआ था और दोनों का सैलरी का डेफिनेशन लगभग क्या पूरा ही एक ही है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना बेटा? ₹4,100 मैचिंग बोला है ना इंटू 12, 4,100 इंटू 12 हाउ मच? 49,200 लेस 12% ऑफ सैलरी, सो 12% ऑफ 288,000 इंटू 12% 34,560, तो टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आर मतलब एम्प्लॉयर्स माइनस 49,14,640 लिख सकता हूं। सैलरी नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) 1,80,000 प्लस 108 प्लस 39,600 प्लस 14,640 प्लस 300 342,540 एट परक्यूजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) पहले प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में कहीं पर ये नहीं था। ऑफरिंग यू ऑफ सैलरी क्या क्या है? एक ही है मोटर कार, कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अलोंग विथ ड्राइवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर ओन भी एम्प्लॉयर करता है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर देता है, तब अगर 1600 सीसी व 1.6 लीटर से नीचे है तो क्या होगा? 2400 और 1800 रुपीज 1800 प्लस रुपीज 900। वाई 900? चौफर दिया था ना ड्राइवर, तो 1800 कार और मेंटेनेंस के लिए बिकॉज पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट, तो 1800 प्लस 900 इनटू 12 मंथ्स 1800 प्लस 900 इनटू 12 मंथ्स 32,400 32,400। सर प्रोफेशनल टैक्स नहीं आएगा? प्रोफेशनल टैक्स बंदी ने खुद दिया है, बंदी एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है। चलो ग्रॉस सैलरी प्लस 342,540 374,940 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 2, 3 प्रोफेशनल टैक्स कितना? 1800
51,800 3,23,140 taxable salary. हो गया प्रॉब्लम. यस मैं एक बार इच्छरे को जूम करता हूं. इसके बाद चला जाता हूं कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. बेसिक डीए टैक्सेबल अलाउंस परक्यूजेट्स डिडक्शंस स्टडी करता हूँ.